हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद उदित चैनल। आज मैं करंट अफेयर सेशन शुरू करने जा रहा हूँ। मैं डेली आप लोगों को करंट अफेयर का सेशन प्रोवाइड करूँगा सुबह 7 बजे। स्टूडेंट, आप लोग को बस ये सेशन देखना है और बहुत छोटा सेशन रखूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा, और जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है सिर्फ वही बताऊँगा। डेली आपको मिलेगा, प्रीमियर होगा, लाइव नहीं होगा, ठीक है? आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। करंट अफेयर के बारे में मैं आपको एक बात बता दूँ बहुत अच्छे से। देखिए, पहले आप डिसाइड कर लीजिए आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको करंट अफेयर बहुत डीप में जानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एसएससी, रेलवे और बैंक की तैयारी कर रहे हैं वन डे एग्ज़ाम्स की, तो आपको करंट अफेयर में बस क्या हुआ और कब हुआ, बस ये दो बातें जाननी है, क्या हुआ और कब हुआ। बाकी कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, एसएससी, रेलवे, बैंक का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? तो ये माइंडसेट में पहले क्लियर कर लीजिए कि हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत होती है कि वो पढ़ना शुरू कर देते हैं जो एग्जाम में आता नहीं है, फिर अल्टीमेटली वो एग्जाम में कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि उनके मार्क्स नहीं आते। तो चलिए, तो ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे। फटाफट कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ पैराग्राफ के फॉर्म में है, तो ऐसा कुछ नहीं कि सारे के सारे एमसीक्यूज हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ पैराग्राफ के फॉर्म में। व्हाट वाज द इंटरनेशनल योगा डे 21 जून थीम? जो 21 जून को योगा डे हुआ था उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ठीक है? बस आंसर याद रखिएगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में या पैराग्राफ फॉर्मेट में है। जो 21 जून को योगा डे हुआ था उसकी थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। अब मेरी बात सुन लीजिए, आपको चाहे जितना नॉलेज हो लेकिन अगर आपने ये याद नहीं किया तो आप एग्जाम में टिक नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझे? मतलब ये आपको याद करना है कि 21 जून को जो योगा, इंटरनेशनल योगा डे हुआ था, उसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ठीक है? अब बस आपको याद करना है, और अगर आपको एग्जाम में दिखा, क्लिक किया दिमाग में, तो टिक करके आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट, प्ले लिटिल, व्हाट विच स्टेट इज लॉन्चिंग प्ले लिटिल एंड स्टडी लिटिल स्कीम, ठीक है? एक कौन से स्टेट ने प्ले लिटिल और स्टडी लिटिल की एक स्कीम लॉन्च करी है? तो उसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा ने प्ले लिटिल और स्टडी लिटिल नाम की स्कीम लॉन्च की है। तो अब क्या क्या डिटेल है, एसएमएस, व्हाट्सएप के थ्रू उसमें कुछ करना है, तो वो उतना हम नहीं जानेंगे। हम देखो, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ बार बार, मेरी बात सुनो, एग्जाम के लिए फोकस करो प्लीज, ठीक है? आपसे एग्जाम में नहीं पूछने वाला कि एसएससी, बैंक, रेलवे के एग्जाम में नहीं पूछेगा कि उस स्कीम के अंदर क्या क्या है, वो स्कीम किस स्टेट में लॉन्च हुई। ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लेगा वो स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च हुई है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्वेश्चन है तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। आपने पेपर को पहले जानो कि इस पेपर पूछता क्या है हमसे, ठीक है? तो किस स्टेट ने लॉन्च किया प्ले लिटिल एंड स्टडी लिटिल? त्रिपुरा। नेक्स्ट, विच व्हेन विल नीति आयोग लॉन्च डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट? मतलब जो ट्रांसपोर्ट आप देखते होगे अपने रास्ते में, जब आप रास्ते में निकलते होगे तो ट्रांसपोर्ट दिखता है कि नहीं दिखता है? बहुत सारी बसें, ऑटो, यही सब ट्रांसपोर्ट है। तो इनसे क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वातावरण को प्रदूषित करने वाली गैसेस निकलती हैं जो वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देती हैं। तो उसको डीकार्बनाइज करने के लिए, डीकार्बनाइज मतलब उसमें से कार्बन हटाने के लिए, तो व्हेन विल नीति आयोग, नीति आयोग क्या लॉन्च करने वाला है? नीति आयोग लॉन्च करने वाला है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो उस प्रोजेक्ट को वो लॉन्च कब करेगा? 24 जून, 24 जून 2020 को वो लॉन्च करेगा, मतलब कल लॉन्च करेगा, ठीक है? तो नीति आयोग डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, तो पहले समझ लो कि डीकार्बोनाइजिंग का मतलब क्या है, कि जो ट्रांसपोर्ट में से धुआं हुआ निकल रहा है उसमें से कार्बन की मात्रा को कम करना है, ठीक है? अगेन वही बात बार बार कह रहा हूँ, कब हुआ और कहाँ हुआ, अगर तुमने ये दो बातें जान ली तो तुम्हारा करंट अफेयर निकल जाएगा। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, कब हुआ, कहाँ हुआ, बस उससे ज्यादा हमें नहीं जानना है, ठीक है? नेक्स्ट, अब देखो ये पैराग्राफ के फॉर्मेट में है, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि, स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर। प्राइम मिनिस्टर की जो सब ठेले वाले लोग होते हैं, ठेले वाले में सब्जी लगाते हैं, और बहुत सारे ठेले वाले लोग आपने देखे होंगे ना अपने मोहल्ले में, तो उनके लिए प्रधानमंत्री ने एक योजना बनाई थी, एक लॉन्च करी है, पीएम स्वनिधि। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि स्वनिधि क्या है,
स्वनिधि किससे रिलेटेड है? स्वनिधि मतलब जो ठेले वाले, स्ट्रीट वेंडर, जो गली मोहल्ले में ठेले लगाते हैं, उनके लिए आत्मनिर्भर निधि के, उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की है, उसका नाम है स्वनिधि। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की ऑब्वियसली। अब ये करती क्या है, अ स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर। जो ठेले वाले हैं उनको माइक्रो क्रेडिट देती है। माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो माने छोटा, क्रेडिट माने लोन, तो छोटा सा लोन देती है, 10,000 रुपए का लोन देगी। लोन देगी मतलब आपको वापस करना पड़ेगा। देखिए, जब भी आप कोई चीज पढ़ा करें तो लॉजिकली पढ़ा करिए, ये नहीं कि आपने आंख बंद करके पढ़ लिया और आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सबसे पहले आप समझिए स्वनिधि क्या है। स्वनिधि का मतलब जो ठेले वाले लोग हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ठेले वालों का तो मतलब एकदम बर्बाद हो गया वो लोग। देखिए, जब तक आप जनरल स्टडीज को अपने एनवायरनमेंट से रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे, आप फील नहीं कर पाएंगे। आप खुद सोचिए, जब लॉकडाउन हुआ तो कितने मॉल में लोग मूवी देखने नहीं जा पाए। जब वो मॉल में जाते हैं तो कुछ लोग मॉल के अंदर खाते हैं, कुछ लोग मॉल के बाहर खाते हैं। तो मॉल के बाहर कौन होते हैं? वो ठेले वाले लोग ही तो होते हैं। तो आपने सोचो, उनका रोजगार तो चौपट हो गया। और दूसरी एक और बात, वो जिस शहर में ठेला लगाते हैं वो शहर के होते भी नहीं है, है कि नहीं? तुम्हें लगता है वो ठेला लगा के उस शहर का किराया अफोर्ड कर पाएंगे? देखो, ऐसे रिलेट किया करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हारे एग्जाम में आएगा, बट अगर तुम्हें किसी बड़ी जगह पे पहुंचना है, किसी बड़े सोशल मुद्दे को सॉल्व करना है, तो इन सब चीजों को फील करना सीखो। जो एक ठेला वाला तुम्हारे तुम्हारी गली में आया है, वो ऑब्वियसली उस मोहल्ले का नहीं है, वो कहीं दूर से आया हुआ है, ठीक है? तो वही चीज है कि हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऐसी स्कीम निकाल क्यों रही है, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। तो पहली चीज तो स्वनिधि क्या स्कीम है, मैंने समझा दी। स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ठेले वालों के लिए एक छोटे से लोन की व्यवस्था है। इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इसको लॉन्च किया है। अब किसके द्वारा ये स्कीम चलेगी? तो सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? तो पहले समझ लो, प्राइम मिनिस्टर ने एक आत्मनिर्भर पीएम स्वनिधि की स्कीम निकाली है, जो कि स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। और किसके द्वारा ये स्कीम होगी? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक। अब देखो, इस पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले वो पूछ लेगा स्वनिधि है क्या। स्वनिधि आपको पता है, एक छोटा सा लोन की व्यवस्था है ठेले वाले लोगों के लिए। और किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। किसके द्वारा ये स्कीम चलेगी? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें इन्हें लोन कितने का मिलेगा? 10,000 रुपए का लोन मिलेगा, ठीक है? जो कि ये मंथली इंस्टॉलमेंट लोन है, तो वापस करना पड़ेगा। तो मंथली इंस्टॉलमेंट में आपको एक साल के अंदर वापस करना पड़ेगा। सिडबी का सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इस टाइम पे कौन है? मोहम्मद मुस्तफा, ठीक है? एग्जाम में पूछा सकता है। तो इस पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन ये आपसे ये है कि स्वनिधि क्या है। दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि किसके द्वारा ये स्कीम लॉन्च होगी, इस स्कीम का अमाउंट कितना होगा, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, सिडबी का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कहाँ है। एक पैराग्राफ से 5-6 क्वेश्चन तो बन गए। तो ऐसे पढ़ा करिए, जब आप पढ़ते हैं तो उससे आप अपने आप से क्वेश्चन पूछा करिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा सेलिब्रेट राज प्रभा परबा फेस्टिवल ऑफ मेंस्ट्रुएशन मूवमेंट अबाउट उड़ीसा। ओके, उड़ीसा में एक फेस्टिवल होता है मेंस्ट्रुएशन। आप सबको पता है कि वुमेन में मेंस्ट्रुएशन होता है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक फेस्टिवल का नाम है राजा परबा। अब आपको इस चीज के अंदर याद करना, अगर आपसे पूछा जाए राजा परबा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो आप क्या आंसर करोगे? उड़ीसा। देखो, ऐसे पढ़ो, पैराग्राफ पढ़ो और पैराग्राफ से खुद से क्वेश्चन बनाओ। राजा परबा फेस्टिवल कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा। अब स्टैटिक पार्ट, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल। और कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। अब मेरी बात सुन लो, एक बार मत पढ़ा करो, बार बार पढ़ा करो, कम से कम नहीं तो 3 बार दोहरा लो, अपने आप याद हो जाएगा। देखो, मैं बहुत सिंपल सी बातें करता हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वही बात है, कब हुआ, कहाँ हुआ। सबसे पहले राजा परवा फेस्टिवल कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ। किस लिए मनाया जाता है? मेंस्ट्रुएशन वुमेनहुड के लिए। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल। उड़ीसा की कैपिटल, अब ये तो पता होना चाहिए उड़ीसा की कैपिटल क्या है, ठीक है? तो जब भी आप कोई पैराग्राफ पढ़े तो अपने आप से क्वेश्चन बना बना के पूछो। पहले पैराग्राफ को रीड कर लीजिए, फिर क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट, ये एक स्टैटिक पार्ट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अबाउट एफएटीएफ। ये एक्चुअली क्या है ना, फाइनेंशियल ये एफएटीएफ एक न्यूज में था, तो मैंने बस एफएटीएफ को ले लिया। अब देखो मेरी बात सुनो, मुझे बस इस बात से मतलब है कि एफएटीएफ न्यूज में था। अब एफएटीएफ ने क्या किया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पहली चीज तो एफएटीएफ का फुल फॉर्म जान लो।
FATF का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में, फ्रांस में। मेंबरशिप कितने लोगों की, कितने कंट्रीज इसके मेंबर है? 39। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? जियांग मिन लियू, जियांग मिन लियू। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में मैंने तुमको बता दिया, हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस और फ्रांस में है। मेंबरशिप कितनी है? 39 लोगों की। प्रेसिडेंट कौन है? जियांग मिन लियू। नेक्स्ट, ग्लोबल ट्रेंड फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन 2019 रिलीज बाय यूएन रेफ्यूजी एजेंसी, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है। कुछ देखो, ग्लोबल ट्रेंड फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जैसे आप कहीं पर रह रहे हो और आपको वहां से कहा जाए निकल लो, अब यहाँ से हो गया, आपका एक साल हो गया, आप निकल जाओ। आपको पता है सीरिया और इन जगहों से कितने रेफ्यूजी भाग भाग के, अब कहीं पर आपके यहाँ आतंकवादी और लड़ाई हो तो आप उस जगह से भाग जाओगे। देखो, अगर आप सीधे साधे लोग हो और सिविलियन हो, सिविलियन का काम कभी गोलियां बम बारूद ये सब नहीं होता है। सिविलियन का काम होता है चुपचाप काम करके, एज अ टीचर, एज अ इंजीनियर, एज अ डॉक्टर, एज अ कुछ भी, एक्सेप्ट डिफेंस, किसी तरह से कंट्री में योगदान करना। तो अब सिविलियन जहां जहां सीरिया में ये सब हुआ तो वहां पर तो आर्मी ज्यादा कुछ कर नहीं पाई, मिलिटेंट्स ने दबदबा बना लिया, तो सिविलियंस को भागना पड़ा। उनको रेफ्यूजी बोलते हैं, ऑब्वियसली बात है, जब वो अपनी कंट्री छोड़कर कहीं और जाएंगे तो रेफ्यूजी होंगे। रेफ्यूजी मतलब आपने शरण ली है दूसरे देश में। तो ग्लोबल ट्रेंड्स मतलब वैश्विक स्तर पे देखा गया है, कुछ ट्रेंड्स को देखा गया है, पैटर्न्स को देखा गया है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट समझ गए होंगे अभी तक, सीरिया से रिलेट करके पढ़ना, जब किसी को हटाया जाता है उसकी जगह से बाय फोर्स। तो यूएन की एक रेफ्यूजी एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है, UNHCR, यूनाइटेड नेशन, ह्यूमन राइट वाला नहीं है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी। उसने एक ग्लोबल ट्रेंड करके फोर्स डिस्प्लेसमेंट की इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है, ठीक है। तो इसके हाई कमिश्नर कौन है? फिलिपो ग्रैंडी, और हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो UNHCR का हेडक्वार्टर देख लेना जेनेवा स्विट्जरलैंड में, हाई कमिश्नर कौन है? फिलिपो ग्रैंडी। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, इन्होंने एक लॉन्च किया है सत्यभामा पोर्टल। सबसे पहले देखो वही कब हुआ कहाँ हुआ, यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया है। तो पहली चीज तो सत्यभामा पोर्टल किसने लॉन्च किया? यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सत्यभामा पोर्टल ने करना क्या है? प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर। माइनिंग और मिनरल सेक्टर में जो उत्खनन होता है, जहाँ पे आप कोयला वेला निकालते हो, देखा होगा झारखंड के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर बहुत सारे खदानें हैं, तो वहाँ से कोयला वेला आप और बहुत सारे माइंस में से मिनरल्स निकालते हो। तो मिनरल और माइनिंग में जो रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, उसके लिए सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है। तो सत्यभामा की स्पेल फुल फॉर्म देख लेना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। कभी कभार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो सत्यभामा की फुल फॉर्म जरूर देख लेना। फिर वही चीज पैराग्राफ पढ़ लिया, अब अपने आप से देख लो सत्यभामा का काम क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर। नेक्स्ट, नेशनल चैंपियन निकी कालियंदा पोनाचा इलेक्टेड टू इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन मेंस टेनिस फाइनल। अब तुमने ये पढ़ लिया कि कोई निकी कालियंदा पोनाचा है जो कि एक नेशनल चैंपियन है, मतलब आपके देश के स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी है। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या आपसे ये पूछेगा कि कौन अभी हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के मेन के पैनल में सेलेक्ट हुआ है? ऐसे क्वेश्चन नहीं आता। देखिए, पहले अपने एग्जाम को समझिए, एग्जाम क्वेश्चन कैसे पूछेगा। मैं आपको वही बातें बता रहा हूँ जैसे आपको एग्जाम में एग्जाम देना कैसे, क्योंकि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो आपको पढ़ते वक्त क्या उसमें से जरूरी है। जैसे मेरे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि निकी कालियंदा पोनाचा इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के मेन्स के टेनिस पैनल में इलेक्ट हुए, कोई मतलब नहीं है इसका। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा निकी कालियंदा पोनाचा किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से। आपको इस पैराग्राफ से क्वेश्चन बनाना आया एग्जाम के लिए, एग्जाम में पूछेगा निकी कालियंदा पोनाचा किस खेल से संबंधित है, विच स्पोर्ट्स ही इज रिलेटेड टू, तो टेनिस, ठीक है। तो एग्जाम में पूछेगा, ऐसे पढ़ा करो, जब पढ़ा करो तो वो चीज एग्जाम के पॉइंट, और उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना जरूरी है। नेक्स्ट, फिर कुछ डेज देख लो, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 20 जून को मनाया गया था, तो 20 जून को अगर पूछा जाए तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, अभी इसमें याद ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। नेशनल रीडिंग डे जो आपका है वो 19 जून को मनाया गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके हो गए करंट अफेयर, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
फटाफट, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सा, मैं बस वही लाया हूँ जो इम्पोर्टेंट है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाला नहीं लाया। तो 21 जून को जो इंटरनेशनल योगा डे हुआ था उसका थीम था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, प्ले लिटिल एंड स्टडी लिटिल स्कीम कहाँ लॉन्च हुई, त्रिपुरा में। नीति आयोग लॉन्च नीति आयोग ने लॉन्च किया डी कार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इंडिया प्रोजेक्ट, 24 जून तक लॉन्च हो जाएगा। वही आत्मनिर्भर स्कीम लॉन्च हुई है ठेले वाले लोगों के लिए, स्वनिधि स्कीम है, किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, किसके द्वारा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक द्वारा। तो एक बार फिर से आप लोग रीड कर लेना अच्छे से, और देखिए इस वीडियो को बार बार देख लेना, और बार बार देख देख के पढ़ पढ़ के समझ लेना, ठीक है, तो तुमको खुद से मजा आएगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। चलो, तो जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिए हैं, और जो जो नहीं रहेंगे देखिए मैं आपको कंपाइल करके भी दूंगा मंथली, मंथली तो वैसे देखूंगा, लेकिन जो जो अभी मैंने एक वीडियो डाली है इंडेक्सेस वाली, तो इंडेक्सेस वाली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो डेली आपको एक एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको करंट अफेयर के बारे में सिखाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, थैंक यू, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, ठीक है, ओके। और मैं अभी बहुत सारी वीडियोज डालूंगा जीएस की, मैथ्स की, रीजनिंग, इंग्लिश सब, ओके, थैंक यू।